मधुबनी जिले के बासोपट्टी थाना क्षेत्र के महिनाथपुर गांव में पिछले 26 जुलाई को 62 वर्षीय वृद्ध देवेंद्र शर्मा पर हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपी अजीत दास के साथ 8 को बासोपट्टी पुलिस ने गिरफ्तार कर सफलता हासिल किया। इस बात की जानकारी मधुबनी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी दी। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के महिलापुर गांव में 26 जुलाई को देवेंद्र शर्मा की गोली मारकर जख्मी कर दिया गया, जिनकी मृत्यु इलाज के क्रम में हो गई। इस संबंध में बासोपट्टी थाना में विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुचित कुमार के नेतृत्व में कई थानों के थानाध्यक्ष को मिलाकर छापामारी टीम गठित कर छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में मुख्य अभियुक्त अजीत दास को गिरफ्तार कर पूछताछ किया गया, जिससे यह बात सामने आई कि मृतक का भतीजा बच्चू शर्मा 1.5 लाख रुपए में हत्या करने के लिए अजीत दास को सुपारी दिया था। अजीत दास के निशानदेही पर घटना में संलिप्त अन्य 8 अपराधियों को छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया एवं अपराधी अजीत दास के द्वारा घटना करने के बाद घटना में प्रयुक्त पिस्टल को समीर सिंह को रखने के लिए दे दिया गया, जिसे बरामद कर लिया गया। साथ ही इन अपराधियों से घटना में प्रयुक्त बाइक के साथ 6 मोबाइल को पुलिस ने बरामद किया। SP डॉक्टर सत्य प्रकाश ने बताया कि छापेमारी टीम के सभी पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों को पुरस्कृत किया जाएगा। मधुबनी से नवीन नायक की रिपोर्ट। 7/2020 रात्रि में देवेंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति को गोली मार करके जख्मी कर दिया गया था, जिनकी मृत्यु इलाज के क्रम में 27/7 को हो गई। इस संबंध में बासोपट्टी थाना कांड संख्या 178/20 दर्ज किया गया। जांच के क्रम में और इन्वेस्टिगेशन में ये बात आई कि ये जो हत्या की गई थी, ये सुपारी दे करके अजीत दास नाम के क्रिमिनल को किया गया था, जिसमें मृतक के भतीजा जो बच्चू शर्मा जो है 1.5 लाख रुपए में अजीत दास को सुपारी दिए थे। अजीत दास के निशानदेही पर घटना के संलिप्त अन्य अपराधी जो नाम इसमें लिखा हुआ है, वो लोग घटना किए और इसमें जो प्रयुक्त जो पिस्टल है समीर सिंह को रखने के लिए दे दिया गया। अपराधी समीर सिंह को भी अंदरा थाड़ी थाना में गिरफ्तार किया गया है, जिसका अलग से आर्म्स एक्ट का केस वहां पर किया जा रहा है और अजीत दास के ही निशानदेही पर उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें इसका नेतृत्व सुमित कुमार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जयनगर के नेतृत्व में किया गया। कुंवनी इंदल यादव थाना अध्यक्ष बासोपट्टी, रमेश कुमार शर्मा थाना अध्यक्ष देवधा एवं अन्य के द्वारा इसमें सराहनीय कार्य किया गया है, इनको पुरस्कृत भी किया जाएगा और इसमें जो है एक देसी पिस्टल, एक मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल बरामद की गई।